अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे अरबी में अगर आपको बोलना है मेरा पासपोर्ट, मेरी गाड़ी, मेरे पैसे, मेरा रूम, तो कैसे कहेंगे। पहले तो ये याद रखिए, मेरे के लिए इन तीनों में से कोई से भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप। माली, इसका भी मतलब होता है मेरा। ली, हगी, इन सब का मतलब होता है मेरा। हगी कह सकते हैं आप मेरी के लिए, माई के लिए, मेरे के लिए। माली कह सकते हैं, इसका मतलब भी होता है मेरा। ली कह सकते हैं, जैसे ये सेंटेंस है एक आपके सामने, ये मेरा पासपोर्ट है। हाजा जवाज माली, हाजा हाजा का मतलब होता है ये, जवाज पासपोर्ट। माली की जगह आप लगा सकते हैं हग्गी, ली, या आप ली लगा सकते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, इंग्लिश में हमने लिखा है ली, फिर यहाँ पर लिखा है हमने हग्गी, फिर यहाँ पर लिखा है हमने माली। ये लिखा हुआ है हाजा जवाज ली, हाजा जवाज हग्गी, हाजा जवाज माली। तो इस तरीके से आप इन तीनों में से कोई से भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे पासपोर्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, मेरा मकान, हाजा बेत माली, हाजा बेत ली, हाजा बेत हग्गी। इन तीनों शब्दों की प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ, हो सकता है आप जिस शहर में, जिस कंट्री में रहते हैं, शायद वहाँ माली का इस्तेमाल होता हो, शायद वहाँ पर ली का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूँ मेरे के लिए, हग्गी हग्गी। मैं बोलूँगा मेरा घर, तो मैं बोलूँगा हाजा बेत हग्गी, ये मेरा घर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस जानने से पहले आपको पता होना चाहिए हादा और हाजा, इन दोनों का मतलब होता है ये, दिस, इट। कुछ जगह पे हादा इस्तेमाल किया जाता है कुवैत कंट्री में, और हादा शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो सऊदी में इस्तेमाल किया जाता है। तो हादा बोलिए या हादा बोलिए, इन दोनों का मतलब होता है ये, दिस, याद रखिए। एक और एग्जांपल है, ये मेरी गाड़ी है, सबसे ऊपर है इंग्लिश में दिस इज माई कार, नीचे लिखा हुआ है हाजा सयारा माली, हाजा सयारा माली, फिर लिखा हुआ है ये मेरी कार है हाजा सयारा ली, हाजा सयारा ली, हाजा सयारा हग्गी। जो आपकी कंट्री में चलता हो उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये मेरा रूम है हाजा गुरफा, हाजा गुरफा ली, हाजा गुरफा माली, हाजा गुरफा हग्गी। अगेन हाजा दिस गुरफा रूम ली मेरा, हाजा गुरफा ली, हाजा गुरफा माली, हाजा गुरफा हग्गी। यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, गुरफा को हटाइए, यहाँ पर लगा सकते हैं चाबी, ये मेरी चाबी है हाजा मिफ्ता माली, ये मेरा बैग है, ये मेरी वीज़ा है। इस वीडियो में मैं आपको खाली एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मेरा मेरी का इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पर जो मैंने ऑब्जेक्ट बताए हैं आप अपने ऑब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल हटा के आप बोल सकते हैं ये मेरी घड़ी है, या आप कह सकते हैं ये मेरा हेडफोन है, या आप कह सकते हैं ये मेरा कंप्यूटर है, या आप कह सकते हैं ये मेरा बैग है। तो ये मोबाइल को हटा के यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं आप। ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, इस तरीके से आप आसानी से सेंटेंस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों का मतलब होता है ये मेरा मोबाइल है। आप चाहें तो हग्गी इस्तेमाल कीजिए, आप चाहें तो ली, आप चाहें तो माली। दिस इज माई हाउस, हाजा बेत ली, हाजा बेत हग्गी, हाजा बेत माली। ये मेरी कार है हादा सयारा ली, हादा सयारा हग्गी, हादा सयारा माली। ये मेरा रूम है हादा गुरफा ली, हादा गुरफा हग्गी, हादा गुरफा माली। बहुत ही आसान है, बस करना आपको ये, यहाँ से बेत यानी घर को हटाना है, जो चीज़ आप बोलना चाहते हैं, जो ऑब्जेक्ट आपका है वो यहाँ पर लगा दीजिए। ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा किचन है, ये मेरा कंपनी है, जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी सीट है, ये मेरी चेयर है। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यहाँ से घर को, बेत को हटा के अपना ऑब्जेक्ट लगा दीजिए।
Thank you.